किसी किताब में ऐसा लिखा है कि पार्क टूर के बाद आप बाहर घूमने नहीं जा सकते अपने प्यारे शहर में। तो वही इसी बात को मद्देनजर रखते हुए हम निकल गए फैमिली आउटिंग पर। कहाँ गए वो आगे वीडियो में पता चलेगा। आधे से पौने घंटे की ड्राइव के बाद प्यारी एक्सप्रेस वे की ठंडी ठंडी हवाएं खाने के बाद हम फाइनली पहुंचे पोर्टग्रांड कराची के। ओके गाइस, वी आर फाइनली एट आवर डेस्टिनेशन पोर्टग्रांड कराची। चलते हैं अंदर। अंदर जाने के लिए फीस देनी थी जो 300 रुपए थी, लेकिन उसमें से 100 रुपए आपको अंदर यूज करने भी मिल रहे थे। तो भाई फीस थी और हम चले पोर्टग्रांड के अंदर। सबसे पहले हमने किया वहाँ पे अपना फोटोशूट, क्योंकि मौसम काफ़ी प्यारा हो रहा था, शाम का वक्त था, लाइटिंग भी बेस्ट थी उस वक्त और हमारे पास कैमरा भी तो था। खैर गाइस, फोटोशूट तो अपनी जगह चलता रहेगा, लेकिन मैं आपको दिखाता हूँ पोर्टग्रांड अंदर से अंदर क्या क्या एक्टिविटीज थी। चलते हैं यार। बच्चों के लिए ट्रेन से लेकर डेयरिंग लोगों के लिए एक एंग्री बुल और सिंगल साइकिल्स के साथ साथ वहाँ पे फैमिली साइकिल्स भी थी भाई। हमारी नज़र पड़ी एक बगी राइड पे, तो क्या करना था, कुछ नहीं, हमने भी जाके टिकट ली और चढ़ गए बगी में भाई। पोर्टग्रांड में तो काफी सारी एक्टिविटीज थी, उसके साथ साथ काफी सारे अलग अलग स्पॉट्स थे जहाँ पर आप पिक्चर खिंचवा सकते थे। तो गाइस, पहले हम गए थे उस वाली जगह पर और अब हम जा रहे हैं दूसरी जगह पर जो पोर्टग्रांड के लेफ्ट पर है, आगे यानी फूशी की तरफ। तो अब आगे चलते हैं। यहाँ की फूशी को देख के मुझे लाहौर की फूशी याद आ गई, क्योंकि वहाँ भी अलग अलग रेस्टोरेंट्स बने हुए थे और उनके सामने टेबलें लगी हुई थी, लेकिन यहाँ की फूशीद को लाहौर की फूशी से कंपेयर नहीं किया जा सकता। फाइनली हमने खाना मंगवाया। खाने में था हमारे पास 2 जिंगर, पिज्जा, फ्राइज और रोल। डेजर्ट को हम किस तरह भूल सकते हैं, तो भाई हमने ली वहां पे रोल आइसक्रीम और रोल आइसक्रीम खाते खाते हमने एंजॉय किया कॉन्सर्ट जो वहां पर हो रहा था। फाइनली रात को थके हारे हम अपनी गाड़ी में बैठे और चल पड़े अपने प्यारे से घर को, जो हम तकरीबन 1 घंटे में पहुंच गए थे। तो आज की वीडियो इतना ही। आई होप आपको वीडियो पसंद आई हो। आई मुझे वीडियो सिर्फ अलग नहीं थी, ये वीडियो बहुत अलग थी, क्योंकि पहले मैंने सोचा था कि जिस तरह नॉर्मल ब्लॉग शूट करता उसी तरह शूट करूंगा, लेकिन बिकॉज मुझे इस वाली शोल्डर में बहुत ज़्यादा दर्द था और इसी हाल से मैं यूजुअली शूट करता हूँ, तो मैंने सोचा क्यों ना चलो कुछ डिफरेंट करते हैं। अगर पसंद आया हो लाइक कर देना, पहले से ही क्या सब्सक्राइब भी कर दो यार। मैं मिलूंगा आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।